अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। इससे पहले जो टॉपिक थे हमने उसमें पढ़ा था, हमें ये चैप्टर जो है इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन क्या हमें वो सच में इक्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी, तो उसी को हम आगे करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इन टू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बींग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कि हमने जो देखा दो स्टोरीज, उसमें हमने ये देखा है कि अंसारीज जो थे, मिस्टर और मिसेज अंसारी, जिनको उनकी बिकॉज ऑफ दे कास्ट, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग वो मुस्लिम थे, इस वजह से उनको कोई भी रेंट पर घर नहीं दे रहा था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उनके साथ स्कूल में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया। तो इससे हमें ये इन दोनों स्टोरी से पता चलता है कि अनइक्वल जो है, ये डिफरेंस जो है कास्ट के बेस पर है, रिलीजन के बेस पर है, ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। लोगों के साथ इक्वल जो है बिहेव नहीं किया जाता, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ट्रीटमेंट जो होता है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब अगर किसी person के साथ unequally treat किया जाता है तो उसकी dignity जो है वो violated होती है। मतलब उसकी अगर हम बात करें dignity की, तो क्या होता है कि हमें जो है हमारे मन में जो है ये चीज़ आने लगती है कि किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वॉज वायोलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच देवर treated by picking on him and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उनकी डिग्निटी और अंसारीज जो थी, उनकी भी डिग्निटी पर कितना बड़ा मतलब उनको इस चीज़ का आघात पहुँचा कि उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया गया उनको बिकॉज ऑफ इस कास्ट। उनको अपनी कास्ट की वजह से स्कूल में सफाई करवाई गई, प्लेग्राउंड सफाई करवाई गई, उनके टीचर्स जो हैं, स्कूल मेट जो, उन्होंने सब ने मिलकर उनकी डिग्निटी को बहुत हर्ट किया और उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया। बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कंफ्रंटेड द टीचर्स। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट वैन द पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू दैम। हाउएवर वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड दैम रिफ्यूज दिस सजेशन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया गया, लेकिन इस चीज़ के लिए उनकी डिग्निटी को किस तरीके से हर्ट किया गया, उनके फादर जो हैं, उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए इस अनइक्वल ट्रीटमेंट को देखकर, और उन्होंने टीचर्स जो है उनसे इसके बारे में उनको अपोज किया। सेम अगर हम अंसारीज़ की बात करें तो उनकी डिग्निटीज़ जो है उनको भी बहुत हर्ट हुआ, उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनको भी हर्ट हुआ कि उनको उनके कास्ट, उनके रिलीजन के वजह से उनको कोई भी रेंट पर अपार्टमेंट जो है वो देने के लिए रेडी नहीं था। और जो प्रॉपर्टी डीलर था, उन्होंने भी उसको क्या, उनको क्या बोल दिया कि आप अपना नाम चेंज कर लो तो मे बी नेम की वजह से आपको वो अपार्टमेंट मिल जाए। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो अगर हम सोचें तो क्या ओम प्रकाश और अंसारीज जो है, क्या वो इस तरीके का बिहेव जो है वो डिजर्व करते हैं? नहीं, क्योंकि सभी को, हर एक सिटीज़न इंडिया का, सबको क्या है, सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो डिज़र्व करते हैं, सबको सेम रिस्पेक्ट जो है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी किस तरीके से है उसको बताया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज वेरी पर्सन एज इक्वल, दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक पर्सन को इक्वल माना गया है, और ये इक्वालिटी जो है वो कंट्री का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे उसका एजुकेशनल जो है वो कुछ भी, एजुकेशन कुछ भी हो, ट्राइब कुछ भी हो, उसकी कोई भी जाति का हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता हो, सभी को इक्वल माना गया है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी is to exist, it doesn't, but at least in democratic India the principle of the equality of all person is recognized. ये ऐसा नहीं है कि ये इनइक्वालिटी जो है
जो एग्जिस्ट करती है एंड सब जगह एंड इट डजन बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इंडिया में जहाँ पर हमें हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को इंडिया के राइट मिला हुआ है इक्वालिटी का, तो उसको इसी प्रिंसिपल से, इक्वालिटी के प्रिंसिपल से ही पहचाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए एक मूवी जो है उसका सीन बताया है यहाँ पर, जो 1975 में जो फिल्म दीवार आई थी, जहाँ पर एक बच्चा जब बूट पॉलिश, शू पॉलिश जब करता है तो वो जो शू पॉलिश कराने वाले जो पर्सन है वो क्या करता है, उसको फेक का रुपए देते हैं, लेकिन वो उसको उठाने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप मुझे उठाकर पैसे हाथ में दीजिए तभी मैं लूँगा। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बताया हुआ है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, पुराने टाइम में जो था लोगों के इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी, डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ नहीं था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से हमारे ये जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है बहुत सारे लॉज बने हैं हमारे डिग्निटी और इक्वल इक्वालिटी के लिए, ताकि सभी हमसे इक्वल ट्रीट करें, उसके लिए बहुत सारे लॉ बन चुके हैं। दिस रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो है वो फॉलो किए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। What time, what this means is that every person from the president of the country of Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. First, जो है अगर हम provision की बात करें तो हमें क्या बताया, हर एक person जो है law के according वो क्या है, equal है। पहले भी equal था वो law से पहले और वो अभी भी equal है। फिर वो चाहे हमारे country का president ही क्यों ना हो, और चाहे हमारी story में जो Kanta थी जो कि एक domestic worker थी जो कि घर में जाकर साफ़ सफाई का काम करती थी, चाहे वो हो, लेकिन उस सभी को ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। सेकंड जो है प्रोविजन वो क्या है कि कोई भी पर्सन को जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग हो, रेस हो, कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, वो फीमेल हो, मेल हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट, के हर एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, चाहे हर एक पब्लिक प्लेसेज जो होते हैं, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट हो, वो वहाँ जा सकते हैं, वो खोल सकते हैं शॉप्स वगैरह, है ना। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। उसके अलावा सारी पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं, वेल्स जो होते हैं, पब्लिक रोड जो होती है, बाथिंग घाट जो होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं पब्लिकली, है ना। और उसके अलावा फोर्थ जो है वो क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब कोई भी छुआछूत, ये जो हम लोग जो होते हैं ना कि नीची कास्ट के लोग जो होते हैं उनको टच नहीं करना है, उनसे दूर रहना है, वो पानी नहीं पी ले सकते कुओं में से, ये ऐसा बहुत ज़्यादा ये चलता था पहले, है ना। तो ये जो है वो नहीं हो सकता है, ये प्रोविज़न जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए। The two way in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. और इनको government ने दो तरीके जो है implement किए ताकि equality को बढ़ावा दिया जा सके, equality की guaranteed मिले, जैसे कि हमारे constitution में first जो है वो है law, कानून। हर एक चीज़ के लिए कानून बने हुए हैं कि अगर हमारे साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, हम जाकर केस कर सकते हैं, हम इसके अगेंस्ट फायर लिखवा सकते हैं, है ना। और सेकंड जो है वो है गवर्नमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम और स्कीम्स जो है वो चलाती है ताकि इस चीज़ में हेल्प मिले। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. और इंडिया में बहुत से लॉ बने हैं हर एक पर्सन के राइट के लिए, ताकि उसके साथ इक्वल जो है वो ट्रीट किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो निकाली ताकि जो कम्युनिटीज़, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या हो, लाइव्स जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उनके साथ इक्वल भी है, वो अनइक्वल ट्रीट उनके साथ नहीं, जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत सेंचुरी से ये चला आ रहा है।
और उनको बहुत सारी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, और उसमें से अगर गवर्नमेंट का अगर हम एक देखते हैं तो स्टेप, तो उसमें मिड डे मील स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिड डे मील जो है आज हम देखते हैं हमारे स्कूल्स जो है उनमें भी आजकल ये किया जाता है कि बच्चों को जो है फ्रूट्स वगैरह देना, कभी उनको खाना खिलाना, है ना। तो ये चीज़ मिड डे मील स्कीम है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, कि इस स्कीम में, इस प्रोग्राम में क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं उनको क्या मिलेगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को बना हुआ खाना जो है वो उनको दिया जाएगा। तमिलनाडु वॉज अ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तमिलनाडु ऐसा फर्स्ट स्टेट था हमारे इंडिया में जिसने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया इन 2001। द सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ, और जैसे ही तमिलनाडु ने स्कीम जो है उसको फॉलो किया तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टेट क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो स्कूल्स हैं 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, करना होगा उनको, उनको भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा अपने स्कूल्स में। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव, और इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? दीज इंक्लूड द फैक्ट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. But now with the midday meal being provided in school, the attendance has improved. Their mother who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together. And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program has also helped reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. Ab ye jo midday meal scheme jo start hui isse bahut zyada fayda hua. Pehli cheez to kya hui ki jo bacche पहले क्या होता था कि बच्चे जो है वो स्कूल आते ही नहीं थे, जो गांव रूरल एरिया वगैरह होता था ना, ये ट्राइबल जो एरिया होते थे वहाँ पर क्या है, बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे। तो उनको जैसे ये मतलब उनके पेरेंट्स को ये पता चला कि खाना मिल रहा है बच्चों को वहाँ पर स्कूल में, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो उसकी जो अटेंडेंस है बच्चों की वो बढ़ गई। उसके अलावा बच्चे फिर क्या होता था, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि लंच टाइम में क्या होता था, घर जाते थे खाना खाने के लिए, तो फिर उसके बाद घर जाते थे, फिर वो वापस स्कूल ही नहीं आते थे। तो अब ये एक और बेनिफिट हो गया कि अब बच्चे को जो है घर भेजना ही नहीं पड़ेगा खाना खाने के लिए, स्कूल में ही खाना मिल रहा है तो बच्चे स्कूल में ही खाना खाएंगे और स्कूल में ही उनकी कंटिन्यू प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा जो गरीब थे, पुअर थे, जो खाना अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, जिनको खुद के खाने के लिए भी नहीं था, तो उनके लिए भी हो गया कि अब वो आराम से बच्चों को स्कूल भेजने लगे ताकि उनके बच्चे जो है पेट भर के वहाँ पे खाना खा सकें, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो हुई वो ये हुई कि जो दलित वुमेंस थी वो क्या होती थी, ये खाना जो है वही बनाती थी, ये जो मील जो होता था यही खाना वो बनाती थी, तो उससे उनको भी क्या हो गई, हेल्प मिल गई। और साथ में जो पुअर स्टूडेंट जो स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ भूख, वो भूखे होते थे, तो वो क्या है, जो भूखे होते तो हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते ना, तो जो भूखे होते थे तो खाली पेट में फिर पढ़ाई नहीं होती थी, तो अब उनका स्कूल में खाना मिलने लग गया जिससे क्या होने लग गया, उनका पेट भरने लग गया और फिर वो पढ़ाई भी आराम से। तो अगर ये मिड डे मील जो स्कीम थी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट की वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत बेनिफिशियल थी। यहाँ पर अगर हम एक पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि किस तरीके से मिड डे मील जो है उनको बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल का, उत्तराखंड का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर बच्चों को मिड डे मील का खाना सर्व किया जा रहा है ना। द नेक्स्ट इज वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, द कंटिन्यूस टू बी गुड डिफरेंस इन अनकंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। अब जो गवर्नमेंट जो ने जो ये जो प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया था, इसने बहुत ही बढ़िया प्ले इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्रेज किया, इसमें इक्वालिटी जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली, इंक्रीज जो है इक्वालिटी को किया इन्होंने, और उसके अलावा बहुत सारी नीड्स जो है वो भी पूरी होने लगी। और इसके अलावा ये भले ही ये मिड डे मील प्रोग्राम जो वो इंक्रीज कर रहा था एनरोलमेंट में, बच्चों की अटेंडेंस में, जो पुअर चिल्ड्रन थे स्कूल्स में, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस था हमारी कंट्रीज़ के बीच में बिटवीन द स्कूल दैट
रिच अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड, जो रिच अटेंड है और जो पुअर अटेंड है. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली. अगर हम ये देखें, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि इक्वालिटी की धीरे धीरे ये चीज़ स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पर ये जो चीज़ है जो कि दलित चिल्ड्रन जो ओम प्रकाश जी थे जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफ़ी बच्चों के साथ अभी भी होता है, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है. दीज चिल्ड्रन आर फोर्स इन टू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law require. कि भले ही गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए लॉ बना दिए बहुत सारे, लेकिन लोगों की जो सोच है उसका हम कुछ नहीं कर सकते. उनके दिमाग में अभी भी ये चीज़ जो है वो बहुत भरी हुई है और वो अभी भी इन लोगों को क्या है इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज दैट attitudes change very slowly. Even though person are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. अभी भी भले ही लॉ बन गए हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर चाहे वो उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे वो अगर उनसे अनइक्वल बिहेव उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उनके इकोनॉमिक स्टेटस है चाहे भी हम लोग अमीर हैं या गरीब है या फिर वुमेन जैसे लड़का है लड़की है इसके साथ भेदभाव होता है ना. इट इज़ ओनली वैन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. जब तक हम खुद ये नहीं मान ले, हमारी सोच हम चेंज नहीं कर ले कि सभी को इक्वल ट्रीट करना है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक. और उसके बाद इन्होंने यही बताया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसमें किस तरीके से ये कंटिन्यूस स्ट्रगल चला है इंडिविजुअल्स को लिए उनको अपना उनका राइट दिलाने के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. किस तरीके से इक्वालिटी के इशूज़ हुए है ना. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इन इक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. कि अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर अभी भी इन इक्वालिटी जो है वो कंटिन्यू चल रही है, अभी भी इक्वल सबको राइट नहीं मिला है और स्ट्रगल जो है इक्वालिटी अधिकार पाने का, समानता का अधिकार पाने के लिए कंटिन्यूस ये चीज़ स्ट्रगल चल रहा है. द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. कि अगर हम हमारे आसपास जो दूसरी कंट्रीज़ देखें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ देखें, तो वहाँ पर भी ये इशू जो इक्वालिटी का वो कंटिन्यू जो है वो कम्युनिटीज़ स्ट्रगल चल रहा है. सो फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू बी डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं तो वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं मतलब अफ्रीका के जो स्लेव्स हैं जिनको लाया गया था वहाँ पर, अभी तक भी उनकी लाइफ जो है वो कैसी है अनइक्वल चल रही है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. और उसके लिए उन्होंने 1950 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट मिले. प्रायर टू दिस African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. और African Americans जो थे उनके साथ unequal behave किया जाता था United States में और जो इक्वालिटी के लॉ थे उनको भी डिनाई किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल वेन ट्रेवलिंग बाई बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट्स वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट. एग्जाम्पल के अगर हम देखें तो जैसे कि अगर बस में जब ट्रैवल करते थे तो क्या होता था कि उनको जो है पीछे की जो सीट है उन पर उनको बैठना पड़ता था और उसके अलावा अफ्रीकन जो थे ना उनको, और उसके अलावा जब अगर वो उठकर जाएंगे तो क्या होगा उनको खड़े होकर उनको विश करना पड़ेगा. अगर कोई वाइट पर्सन जाएगा तो रोज़ा पार्क्स 1932-2005 एक रोज़ा पार्क के बारे में बताया है जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. उन्होंने क्या किया, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 December 1955. हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीट
एंड विच केम टू बी नोन एज अ सिविल राइट्स मूवमेंट, कि यहाँ पर एक बताया है रोज़ा पार्क के बारे में, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, जो कि बहुत लंबा दिन था और वो काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, बस में जब वो सफ़र कर रही थी तो उन्होंने अपनी सीट जो है वो एक वाइट मैन को देने से मना कर दिया था। और वो दिन था 1 December 1955 का। और तब भी से जब उन्होंने ये रिफ्यूज़ल स्टार्ट किया, उसी दिन से ये एजिटेशन जो है, ये जो अनइक्वल वे जो चल रहा था अफ्रीकन अमेरिकन का, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया, ये चीज़ स्टार्ट हो गई। और ये जो मोमेंट था ये क्या कहलाया, सिविल राइट मोमेंट जो है उसके नाम से जाना गया, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। और ये जो सिविल राइट एक्ट था, जो कि 1964 में प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर दैम। और उसके अलावा सिविल राइट मोमेंट जब स्टार्ट हुआ, ये एक्ट जब लागू किया गया 1964 में, और इसमें क्या बताया, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेट किया गया, चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो नेशनल ओरिजिन हो। उसके अलावा जो स्कूल्स थे अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन को भी वहाँ पर स्कूल जाने उसके लिए उनके लिए ओपन कर दिए। और क्योंकि पहले क्या होता था, अफ्रीकन जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन लोग, उनके अलग स्कूल जाना पड़ता था, वो उनके स्कूल में वाइट पर्सन की जो स्कूल होती थी ना यूनाइटेड स्टेट्स की, वहाँ नहीं जा सकती। तो इसके लिए भी अब क्या हो गया था, जैसे ही ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इस चीज़ के लिए भी उनको उनका राइट मिला। However, despite this, a majority of African-American continues to be among the poorest in the country. लेकिन उसके बाद भी maximum African-Americans जो हैं वो अभी भी क्या है, कंट्री में poorest लोग हैं। Most African-American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school. तो लेकिन ये इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर क्या हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो है वो क्या करते थे, इतने पुअर थे, इतने गरीब थे कंट्री में, वो सब वही लोग पुअर रह गए थे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाने मतलब अफोर्ड कर सकते थे। और कुछ जो फैसिलिटीज़ जो थी, जो पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स जो थे एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट, वो जो है वो प्राइवेट स्कूल जाते थे और लिव इन एरिया, और वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हो और जहाँ पर मतलब वो आराम से जा सके। मीन्स मतलब ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे ना, वहाँ पर भी पुअर फैसिलिटीज़ थी, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और वहाँ के जो टीचर्स होते थे ना, वो भी फिर पुअर क्वालिफाइड वाले ही होते थे एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उस मोमेंट के बारे में बताया है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, जो रोज़ा पार्क के बारे में बताया ना, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिनकी वजह से ये जब वो बस में बैठी तो वो इस तरीके से फर्स्ट फ्रंट सीट जो है वहाँ पर वो बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें ऊपर जो है बताया है, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके से अनइक्वल जो है बिहेव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस हो, बर्थ हो, उसके अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो कोई स्कूल हो, शॉप्स हो, पब्लिक हो, रेस्टोरेंट, होटल हो, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनको कोई मतलब ये या शॉप वगैरह जो है वो खोल सकते हैं, और उनको टैंक, पानी, वेल वगैरह इन सब का भी राइट है, वो इस पर उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का चैलेंज। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री जो है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपांड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ वगैरह जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ वगैरह जो होती है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं डेमोक्रेसीज के एक्सपांड के लिए। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, कि सारी पर्सन जो है वो इक्वल, एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, उनकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ इज दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर डेली लाइव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बींग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। और जब हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से हमारी इक्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है हर एक जगह पर, और इस डेमोक्रेटिक इंडिया होने के बाद भी। और उसके अलावा ये पढ़ने के बाद जो आपका चैप्टर आपको खुद को ये
सोचना है कि क्या हर एक पर्सन की क्वालिटी मिल रही है, क्या उनकी डिग्निटी जो है मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको चैप्टर 2 और 3 पहले कंप्लीट करवाए थे, अभी ये हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको PDF फाइल सेंड करूँगी क्वेश्चन आंसर्स की, आप वो चैप्टर को अच्छे से बुक में रीड करिएगा और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।